कास्प्लेडू ये महाराष्ट्र में सतारा शहर के करीब स्थित एक पठार यानी के ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर पहाड़ी मैदान है। यह ऊंचे पहाड़ी मैदानों और घास के मैदानों पर स्थित है जो मानसून के मौसम के दौरान विशेष रूप से अगस्त से अक्टूबर की शुरुआत तक फूलों की घाटी में बदल जाता है। दोस्तों कास प्लेटू एक रिजर्व फॉरेस्ट है जिसे कास पठार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महाराष्ट्र में सतारा शहर से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक सुंदर फूलों से घिरा हुआ ये एक प्लेटू है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री के पहाड़ों के समूह के अंदर आता है और यह प्लेटू 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज स्थल का हिस्सा बन गया है। और दोस्तों ये है कास प्लेटू के टिकट विंडो का पार्किंग एरिया और हम गए थे सुबह के 7 बजे के स्लॉट में और यकीन मानिए ये पार्किंग की जगह बहुत ही तेजी से भर जाती है तो आप किसी भी स्लॉट में जाए बस समय सर पहुंच जाए। कास प्लेटू तक यहाँ की लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टूरिस्ट बस के जरिए पार्किंग से प्लेटू तक यात्रियों को ड्रॉप किया जाता है और यकीन मानिए प्लेटू तक जाते हुए रास्ते के दोनों ओर सुंदर हरियाली को देखने के बाद आप और ज्यादा एक्साइटेड जरूर हो जाएंगे। ये बस आपको गेट नंबर 3 पे उतारेगी लेकिन गेट नंबर 1 का दौरा करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों कास प्लेटू में एक दिन में 3000 से ज्यादा टूरिस्टों को एंट्री नहीं मिलती। सुबह के पहले स्लॉट में 7 बजे से 11 बजे तक 1000 टूरिस्ट को एंट्री मिलेगी। दूसरा स्लॉट है 11 से दोपहर 3 बजे तक 1000 टूरिस्ट के लिए और तीसरा और आखिरी स्लॉट है 3 से 6 बजे तक। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। ऑनलाइन बुकिंग की ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिए गए नंबर पे फोन करके बुक कर सकते हैं। दोस्तों कास प्लेटू की एंट्री फी है ₹150 पर पर्सन और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क है, बिल्कुल फ्री। और तो और स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ₹40 एंट्री फी हो सकती है अगर स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज से ऑफिशियल लेटर लेकर आए तो, लेकिन ये फैसिलिटी सैटरडे और संडे अवेलेबल नहीं रहेगी। अगर आप फूलों की जानकारी के लिए गाइड करना चाहे तो ₹100 में 10 लोगों के ग्रुप को गाइड ले जा सकता है। यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी है लेकिन भाइयों और बहनों बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई, हाइजीन और क्लीनिंग बिल्कुल नहीं है और बहुत जोर से लगी ही हो तो मास्क में फुल ऑन परफ्यूम लगा के आप बेखौफ जा ही सकते हैं। दोस्तों यह एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो हर साल अगस्त और सितंबर के महीनों में खिलने वाले विभिन्न प्रकार के मौसमी और जंगली फूलों और स्थानिक तितलियों की कई प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ी मैदान 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका पूरा एरिया लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर है। कास प्लेटू में फूलों के पौधों की कई सारी विभिन्न प्रजातियां हैं। इनमें ऑर्किड, कार्वी जैसी झाड़ियां, ड्रोसेरो इंडिका जैसे मांसाहारी पौधे शामिल है।
और अगर आप राजमार्ग से यानी के गेट नंबर 3 से कुमुदिनी लेक तक जाने का लंबा ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं तो आप साइकिल भी 50 रुपए के किराए पे ले सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरा इलाका खुला है और इसे देखने में कम से कम 3 घंटे तो यकीनन लग ही जाते हैं। ये खुला हरा भरा और चारों ओर से खूबसूरती से भरा हुआ सुंदर लुभावना मौसम और परिवार के संग ये एक बहुत ही लाजवाब पिकनिक स्पॉट है। और तो और आप जिस किसी भी दिशा में मुंह घुमाएंगे वहां वहां आपको सेल्फी लेने का मन जरूर करेगा। इस प्लेटू के कच्चे रास्तों पे सावधानी से चलना बहुत ही जरूरी है, कभी कभी ये कच्चे रास्ते काफी स्लिपरी हो जाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि कास प्लेटू की फूलों की घाटी सितंबर में पूरी तरह से खिल जाती है, लेकिन इस साल लंबे समय तक बारिश के कारण फूलों की संख्या उससे थोड़ी कम थी। दोस्तों कास प्लेटू के इस पॉइंट से कास लेक का सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। इस लेक का निर्माण लगभग 100 साल पहले सतारा के नागरिकों को पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। दोस्तों समय के साथ साथ यहाँ भीड़ भी बढ़ने लगती है और ये कोई छोटा सा हिल स्टेशन जैसा तो बिल्कुल नहीं है, ये काफी बड़ा प्लेटू है जिसे पूरी तरह से पैदल घूमने में 2 से 3 घंटे जरूर लग जाते हैं। कास प्लेटू मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना है जो सीधे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है। बेसाल्ट चट्टान कटाव के बनी मिट्टी की एक पतली लेयर से ढकी हुई है और ये 1 इंच या उससे ज्यादा की लेयर नहीं है। यहाँ की मिट्टी ना तो काली है और न ही लैटेराइट है और यहाँ के कुछ स्थानों पर सरफेस अनइवन होने के कारण पानी जमा भी हो जाता है। और दोस्तों ये है कुमुदिनी लेक। कुमुदिनी लेक राजमार्ग यानी कि गेट 3 के पास से आगे जाने पर आपको मिलेगा। ये लेक पूरा 2 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ शैलो लेक है और यहाँ अक्सर काफी रेयर किस्मों के फूलों की स्पेशीज पाई गई है। Thank you.
कुमुदिनी लेक से थोड़ी और आगे जाने पर आएगा कास लेक व्यू पॉइंट, जहाँ पे आप व्यू पॉइंट के ऊपर से पूरे कास लेक और आसपास के पहाड़ी मैदानों का शानदार नजारा देख सकते हैं। दोस्तों कास प्लेटू एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे लोकल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। आप ऑन साइट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना स्लॉट पहले से ऑनलाइन बुक करें। फुल बारिश के आधार पर साल दर साल अलग अलग मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक खिलते हैं। एक बार फिर से बता दूं, यहां पर आने के टोटल 3 स्लॉट होते हैं और हर स्लॉट में 1000 से ज्यादा यात्रियों को अलाउ नहीं किया जाता। 3 स्लॉटों में से पहला स्लॉट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, दूसरा स्लॉट सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और तीसरा स्लॉट होता है दोपहर के 3 बजे से शाम 6 बजे तक। सुंदर कास लेक के साथ चारों ओर शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के मस्तक पर बड़ा सा ये कास प्लेटू आपको यकीनन नाराज नहीं करेगा। ये पहाड़ी मैदान साल में एक बार विभिन्न रंगों के ढेर सारे आकर्षक जंगली फूलों का भरमार करने के लिए फेमस है, जो हमारी तन मन और आंखों के लिए किसी योगा से कम नहीं है। यहाँ आसपास में देखने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि एकीव लेक, वसोटा फॉल्ट, भांभावली वजराई वाटरफॉल और बामनोली, जहाँ आप बोटिंग का भरपूर मजा ले सकते हैं। और सच कहूँ, पहाड़ और झरने के साथ कास प्लेटू तक की लॉन्ग ड्राइव अपने आप में बहुत सुंदर होती है। अगर आप एडवेंचरर है, कुदरत की सुंदरता देखना और ट्रैकिंग जैसी चीजों के शौकीन है, तो आपको कास प्लेटू को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।